If you are new to our channel, please subscribe and hit the bell icon for receiving latest updates on exams, research positions, and guidance videos. So let's start the video. Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. So today in this particular video, I will discuss one very important thing that is related to Inspire Scholarship. तो बहुत सारा स्टूडेंट्स मैं जब इंस्पायर स्कॉलरशिप के ऊपर एक वीडियो छोड़ा था वहाँ पर भी मैं डिस्कस किया कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो फिर भी बहुत सारा स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहा था कि इंस्पायर स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए, ठीक है। एंड तो मैं यहाँ पर इंस्पायर स्कॉलरशिप का जो एडवर्टाइजमेंट निकला है उसका ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू, तो उसको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मेंशन है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने के पहले अरेंज कर लो, उसके बाद अप्लाई करने जाओ, अदरवाइज क्या होगा अप्लाई करने के बाद में फिर से ये डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेगा तो फिर से पॉज करके फिर से वो जुगाड़ करने के लिए जाना पड़ेगा। उससे पहले अरेंज कर लो सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ, ये देख लो वीडियो पहले या फिर ये एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके पहले देख लो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसके बाद ही अप्लाई करने के बैठो, देन डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अराउंड 8 डॉक्यूमेंट्स तुम्हें नीडेड है, ठीक है। ये है एप्लीकेशन करने के लिए, उसके बाद ऑफर लेटर आएगा, ऑफर लेटर आने के बाद तुम्हें बैंक अकाउंट डिटेल्स एंड आधार कार्ड डिटेल्स ये सारे थिंग्स फिलअप करना होगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन के फर्स्ट टाइम जब तुम अप्लाई कर रहे हो रजिस्ट्रेशन करने के बाद, तब जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा फर्स्ट है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। यहाँ पर देखो मैंडेटरी करके लिख दिया कौन कौन सा मैंडेटरी है एंड कौन कौन सा एप्लीकेबल, मतलब दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो। तो मैंडेटरी लिखा है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट है उसका। देखो टाइप देखो JPEG फॉर्मेट होना चाहिए, फोटो का बहुत सारा टाइप होता है, टिप फॉर्मेट होता है, JPG फॉर्मेट होता है, JPEG फॉर्मेट होता है, तो यहाँ पर JPEG फॉर्मेट होना चाहिए। साइज होना चाहिए मैक्सिमम साइज, मतलब 50 KB के अंदर होना है साइज। सेकेंड डॉक्यूमेंट्स है क्लास 10th मार्कशीट और सर्टिफिकेट फॉर द प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ओके। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए तुम्हें 10th का जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा PDF फॉर्मेट में 1 MB साइज के अंदर। टाइप देख लो एंड साइज देख लो, इसके अंदर पहले बना लो उसके बाद ही अपलोड करो, नहीं तो अपलोड नहीं होगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट है 12th मार्कशीट मैंडेटरी है, वो तुम्हारा 12th का रिजल्ट के लिए, क्योंकि कट ऑफ जो लिस्ट बनाएगा तो तुम्हारा 12th के रिजल्ट के बेस करके, तो 12th का मार्कशीट PDF फॉर्मेट 1 MB साइज के अंदर। उसके बाद एंडोर्समेंट फॉर्म साइंड बाय द प्रिंसिपल और कॉलेज और डायरेक्टर और ऑफ इंस्टीट्यूट और रजिस्ट्रेटर ऑफ यूनिवर्सिटी। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद तुम्हारा जो पोर्टल होगा, लॉगिन किया पहले, रजिस्ट्रेशन किया इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए, उसके बाद लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद तुम्हारे फोल्डर के राइट साइड में देखना बहुत सारा ऑप्शन होगा, वहाँ पर एंडोर्समेंट करके एक फॉर्म होगा उसको डाउनलोड करना, डाउनलोड करने के बाद उसको फिलअप करना खुद से, देन वहाँ पर ये देखो तुम जो कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो यहाँ पर किसी से, प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज या फिर डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट या फिर रजिस्ट्रेटर ऑफ द यूनिवर्सिटी, किसी से भी स्टैम्प और सिग्नेचर करके तुम्हें स्कैन करके अपलोड करना होगा। एंडोर्समेंट फॉर्म लॉगिन करने के बाद तुम्हारा जो पोर्टल होगा वहाँ पर राइट साइड में देखना ऑप्शन होगा डाउनलोड करने का, डाउनलोड करने के बाद प्रिंट आउट निकालो, फिर पेन से तुम फिलअप करो, उसके बाद प्रिंसिपल या फिर डायरेक्टर से सिग्नेचर और स्टैम्प करके फिर स्कैन करके अपलोड करो PDF फॉर्मेट में। फिफ्थ जो है यहाँ पर देख सकते हो एलिजिबिलिटी नोट और एडवाइजरी नोट इफ़ प्रोवाइडेड बाय द स्टेट और सेंट्रल बोर्ड, ये नॉट मैंडेटरी, मतलब चाहिए है तो फिर ठीक है अदरवाइज छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ वाला जो पोर्शन है सर्टिफिकेट स्पेसिफाइंग रैंक और अवार्ड, देखो बहुत सारा एलिजिबिलिटी के लिए बहुत सारा मैं 4-5 कैटेगरी बताया था, उसमें से था IIT JEE AIPMT उसके बाद KBPY या फिर जो NTSC या फिर इंटरनेशनल ओलंपियाड मेडलिस्ट, ये सारे बहुत सारे कैटेगरीज में डिस्कस किया था। ये सारे स्टूडेंट्स जो ये रैंक होल्डर है उसके बाद बैचलर्स या फिर मास्टर्स करने जा रहे हैं वो सारे स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकता है। तो इसके एज ए प्रूफ ये जो एग्ज़ाम तुम, मतलब जिसके थ्रू तुम अप्लाई कर रहे हो, इसका सर्टिफिकेट भी या फिर रैंक कार्ड भी अपलोड करना होगा एज ए प्रूफ, ठीक है PDF फॉर्मेट 1 MB साइज के अंदर। उसके बाद सेवेंथ जो है कम्युनिटी और कास्ट सर्टिफिकेट, जो स्टूडेंट्स का कास्ट जैसा होगा SC ST OBC PWD जनरल कैटेगरी होगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब जरूरत नहीं है, अदरवाइज कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा इफ एप्लीकेबल, मतलब तुम्हारे ऊपर एप्लीकेबल हुआ तो, जनरल होगा तो जरूरत नहीं है, OBC ST ST PWD EWS ये सारे होगा तो फिर मतलब अपलोड करना होगा। उसके बाद देखो एट वाला ऑप्शन है एनी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, और भी वहाँ पर ऑप्शन रहेगा उसके वाइज तुम्हें अपलोड करना होगा, ठीक है। तो अप्लाई करने का 2022 के लिए जो अप्लाई करने का डेट है 31st of January 1st of December से स्टार्ट हुआ, ये है अप्लाई करने के पहले, ठीक है। ये अप्लाई करना मतलब अप्लाई हो गया उसके बाद तुम्हारा रिजल्ट एंड तुम्हारा सर्टिफिकेट ये सब के ऊपर बेस करके तुम्हारा कट ऑफ लिस्ट आएगा, फिर तुम ऑफर लेटर भेजा जाएगा यू आर सिलेक्टेड और नॉट। सिलेक्ट होने के बाद तुम्हें तुम्हारा स्टेट बैंक का एक पर्सनल अकाउंट सेविंग नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट खोलना होगा जो आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए। उसके बाद बैंक डिटेल्स एंड आधार कार्ड डिटेल्स तुम्हें अपलोड करना होगा पोर्टल में, मतलब सिलेक्ट होने के बाद ऑफर लेटर जाने के बाद। ये हो गया डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड थिंग्स। तो ये वीडियो तुम्हारे फ्रेंड के साथ भी शेयर करो जो स्टूडेंट्स इंस्पायर्स के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो पहले देखना होगा अदरवाइज
प्रॉब्लम हो जाएगा अपलोड करने के टाइम में. ये सारे साइज, ये सारे टाइप, ये सारे डॉक्यूमेंट्स सब कुछ पहले अरेंज कर लो, उसके बाद अपलोड करो. सो दैट्स ऑल. सो इफ यू गेट इन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स. दैट कैन हेल्प योर फ्रेंड्स ऑल्सो एंड गिव सम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स ऑल्सो. एंड कुछ डाउट होगा तो फिर कमेंट कर सकते हो, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर देंगे या फिर कमेंट का रिप्लाई कर देंगे जब टाइम मिलेगा. सो दैट्स ऑल. थैंक यू फॉर वॉचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.